उल्लासनगर में महिला के ऊपर हमला। उल्लासनगर कैंप नंबर 2 के बरेक नंबर 576 रूम नंबर 3 में रहने वाली पिंकी तवल मलानी नामक एक महिला के ऊपर कुछ लोगों ने तेज धार वाले हथियार से हमला किया है, जिसमें महिला घायल हो गई है और महिला का उपचार सेंट्रल अस्पताल में चल रहा है। महिला को घायल करने के बाद और मारपीट करने के बाद सभी आरोपी घटनास्थल से भाग गए। मुख्य बात यह है कि भाजपा पार्टी के शासनकाल में महिला सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। एक और महिला के ऊपर हमला करने वाले जो लोग खुले तौर पर सीसीटीवी कैमरा में 3 लोग नजर आ रहे हैं, उनके साथ एक महिला भी है, मगर पुलिस द्वारा केवल 2 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। अन्य 2 आरोपी के ऊपर मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? महिला के ऊपर चॉपर से वार किया गया है, उसने छेड़छाड़ की है, खुले तौर पर दिख रहा है कि वो वहां से किस प्रकार से मनचले अपने 2-व्हीलर वाहन से स्थानीय निवासियों को परेशान कर रहे हैं, बैठी हुई महिलाओं के ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं। इसके तहत उनके ऊपर सीआरपी के तहत 354 का भी मामला दर्ज होना चाहिए, मगर केवल पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज करके 324 और 323 में निपटा दिया। अब शहर की महिला कितनी सुरक्षित है, शहर की जनता आप बताइए। पीड़ित महिला ये कह रही है कि उसे जान से मरवाने के लिए जिस महिला ने गुंडे मंगवाए थे, वो महिला बार बार सभी लोगों के सामने कमलेश निकम का नाम ले रही है। पुलिस को इस मामले की बारीकी से जांच करनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहा है इस पीड़ित महिला ने। धमकियां दे रही थी कमलेश निकम की, आज वो दिन भरे मुझे मारने आए, जब पूरा परोस बाहर निकला तो वो मुझे मार के हाथ पे भाग गए। उसके बाद अभी पूरा परोस गवाही देने के लिए तैयार है कि ये लोग हमारी एरिया में आके दादागिरी करते, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते, अब्यूज करते, सब औरतों पे कमेंट्स करते आते जाते, उस एक्शन की वजह से इन्होंने ये सब किया है। तो हम लोग लेडीज कहाँ सुरक्षित है आप बताइए प्लीज। मैं विनती करती हूँ कि इस चीज में हमारा साथ देंगे। मैं पिंकी तवल मलानी, आज जो मेरे साथ हुआ है उसकी मैं विनती करती हूँ कि सब मेरा साथ दें। हमारे बाजू में रुको जो लौंडे रहती है, उसके पास फालतू लोग लड़के आते जाते उसको छोड़ने लेने। कल वो लड़का दारू पी के आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला रहा था, हम सब लेडीज बाहर बैठे थे, एक प्रेग्नेंट लेडी थी उसके ऊपर गिरने वाला था, फिर एक बच्ची के ऊपर, उसके ऊपर हम लेडीज ने एक्शन लिया, उनको भैया ऐसे मत चलाओ गली में गाड़ी, उस बात पे वो लेडीज से गाली गलौज करके गया। जिसने मेरे पे वार किया है वो साहू है लड़का मारल गांव का, और शुभम कामले जो लड़कियों को अब्यूज करता है, जिसने गाली गलौज की थी और उसने ही फोन करके इन लड़कों को बुलाया था, उन्होंने मेरे पे अटैक किया। और ये ऋतुजा इन सब का साथ देती है, उनको बढ़ावा देती है ये, और इसकी नानी भी मुझे धमकियां दे रही थी कमलेश निकम की, ये धमकियां दे रही थी कमलेश निकम की। आए दिन वो लेडीज को अब्यूज करते हैं, उस पर हमने एक्शन उठाया पड़ोस वाले सब लेडीज 3-4 मिलके। तो कल मुझे गाली देके मेरी मम्मी को 2-3 लेडीज को गालियां देके चले गए और धमकी दे रहे थे कि अब तुझे दिखाएंगे। और आज लड़के लोग लेके आए मुझे मारने के लिए, मेरे फेस पे वो चॉपर मार रहा था, मैंने जैसे ऐसे किया तो मेरे हाथ पे वो चॉपर लग गया है।